हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी, शामी कबाब, जिनको बनाना बहुत इजी है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इन कबाब को बनाना। फ्रेंड्स, शामी कबाब बनाने के लिए मैंने चने को, ब्लैक चना को ओवरनाइट सोक करके बॉईल किया है, और ये मैंने चना की दाल, इसको भी सोक करके बॉईल किया है। अब मैं दोनों को अलग अलग ग्राइंड करूँगी। फ्रेंड्स, इन दोनों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इनको बड़े बाउल में ट्रांसफ़र करके अपने मसाले ऐड करूँगी। पहले मैं इसमें ऐड करूँगी नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, फिर मैं इसमें ऐड करूँगी चिल्ली पाउडर, फिर मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा चाट मसाला, फिर इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, फिर भुना हुआ जीरा पाउडर, और फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये धनिया और पुदीना चॉप, फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये ब्रेड क्रम्स बाइंडिंग के लिए, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्रंच के लिए मैं इसमें चावल का आटा ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको नाइसली मिक्स करेंगे। फ्रेंड, इस कबाब के मिक्सचर में मैंने थोड़ा सा देसी घी ऐड किया है, क्योंकि जो ब्लैक चने होते हैं ना थोड़ा ड्राई होते हैं, तो इससे हमारा कबाब थोड़ा ड्राई बनेगा, तो इसलिए हम देसी घी ऐड किया है इसमें। अब मैं इसको कबाब की शेप दूंगी। फ्रेंड्स, हमारा ये ऑयल अब गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें अपने कबाब को शैलो फ्राई करूँगी। फ्रेंड्स, मेरे कबाब बन चुके हैं। अब मैं इनको एक टिश्यू पेपर में निकाल लूँगी। फ्रेंड्स, मेरे शामी कबाब एकदम रेडी हो चुके हैं, जिसको मैंने पुदीने की चटनी के साथ सर्व किया है। ये बहुत ही क्रिस्पी कबाब बने हैं और बहुत टेस्टी भी हैं। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।